दोस्तों, अगर आप कोई कंसल्टेंट हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट रन करते हैं, किसी भी तरह से एजुकेशन सेक्टर से अगर आप जुड़े हैं, कंसल्टेंसी देते हैं एडमिशंस के लिए और आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज में कमीशन बेस पर एडमिशन करवाते हैं, आपके दिल में भी एक सवाल अक्सर आता होगा या एक क्यूरियोसिटी, एक इच्छा आपके दिल में हमेशा उत्पन्न होती होगी कि मुझे भी अपना एक कॉलेज खोलना चाहिए। तो कॉलेज खोलने का प्रोसेस क्या होता है? कॉलेज को खोलने से पहले आपके दिल में कई तरह के सवाल आते हैं कि पेपर वर्क जो होगा मैं कैसे पूरा करूंगा, लैंड मुझे कहां लेना होगा, लैंड कितने एकड़ का या कितने स्क्वायर फीट का होना चाहिए, कंस्ट्रक्शंस जो मैं करवाऊंगा उसके अंदर जो क्लासरूम्स बनवाऊंगा वो कितने बाय कितने के होने चाहिए, किस तरह से इंस्पेक्शन होगी, मैं किससे कॉन्टेक्ट करूं या कौन सी ऐसी काउंसिल बॉडी होगी जहां मुझे जाकर अपनी फाइल को लगाना होगा और फाइल को पूरा कैसे करना होगा। ऐसे कई सारे सवाल अक्सर आपके दिल में आते होंगे अगर आप एक कॉलेज खोलना चाहते हैं। आप कॉलेज खोलें, स्कूल खोलें, बोर्ड खोलें या फिर अपनी खुद की यूनिवर्सिटी बनाएं, सभी का अलग एक क्राइटेरिया होता है, सभी के लिए लैंड रिक्वायरमेंट अलग अलग है और सभी में बजट भी अलग अलग तरह से वेरी करता है। आज मैं आपको बताऊंगा अपने इस वीडियो में कि फार्मेसी का अगर आप कॉलेज खोलना चाहते हैं तो फार्मेसी कॉलेज खोलने के लिए क्या क्या पेपर्स आपको चाहिए होंगे, कहां रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा, साथ ही कितना बड़ा लैंड चाहिए, ऐसी कई सारी इन्फॉर्मेशन आज आप ले पाएंगे हमारी इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए फार्मेसी कॉलेज के बारे में, कैसे आप अपना खुद का फार्मेसी कॉलेज खोलेंगे, ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं यूनिवर्सिटी इंडिया चैनल से। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा और मैं आज कुछ अलग बताने वाला हूं आपको कि कैसे आप अपना एक फार्मेसी कॉलेज बनाएंगे। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा जो फार्मेसिस्ट होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, एलोपैथिक होते हैं, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक। अलग अलग तरह से अलग अलग सिस्टम से उनकी मेडिसिन काम करती है और अलग अलग तरह से वो डी फार्मेसी कर आते भी हैं। अब बात आती है कि सर मैं चाहता हूं डी फार्मेसी एक कॉलेज खोलना। उससे पहले आप ये समझिए कि अपने देश में हिंदुस्तान में 50,000 से भी ज्यादा कॉलेजेस चलते हैं और 1,000 ज्यादा यूनिवर्सिटीज चलती हैं। आप कोई भी किसी भी तरह की असिस्टेंस चाहते हैं कि आप कॉलेज कैसे बनाएंगे, स्कूल कैसे बनाएंगे या आप किस तरह से बोर्ड बना पाएंगे अपना, जो 10th 12th के बोर्ड होते हैं, या फिर कैसे आप अपनी खुद की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, उन सभी चीजों में हम आपकी बहुत मदद कर सकते हैं, आपको प्रोसेस बता सकते हैं और हर तरह से आपकी हेल्प कर पाएंगे कैसे आप अपने इन प्रोजेक्ट्स को बना पाएंगे। डी फार्मेसी कॉलेज चलाने के लिए या फिर किसी भी कॉलेज को चलाने के लिए आप सबसे पहले इतनी बात समझ लीजिए कि कम से कम आपके पास 2 एकड़ का एक लैंड होना चाहिए। 2 एकड़ का लैंड होना चाहिए, साथ में ही मिनिमम 20,000 कंस्ट्रक्टेड एरिया, 20,000 स्क्वायर फीट, इतना कम से कम कंस्ट्रक्शन आपके कॉलेज में होनी चाहिए। साथ में ही देखो, आप अगर कॉलेज बनाना चाहते हो, लैंड अभी आपके पास है, तो बेहतर होगा पहले वहां पर एक एक्सपर्ट की इंस्पेक्शन कराएं और उससे पूछें कि फार्मेसी कॉलेज बनाना चाहता हूं, लैब मैं किस तरह से बनाऊं। क्योंकि लैब की अगर हम बात करें, अगर सिर्फ आप डी फार्मेसी कोर्स चलाना चाहते हैं तो वहां पर 4 लैब से भी आपका काम चल जाएगा, पर अगर आप वहां चाहते हैं डी फार्मेसी और बी फार्मेसी दोनों की लैब बनाना, तो कम से कम 10 से 11 लैब आपको जरूरत पड़ सकती है। और साथ में ही जितना भी आप कॉलेज में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बेहतर होगा एक एक्सपर्ट से उसका मैप बनाए, इसमें हम भी आपकी मदद कर सकते हैं काफी तरह से। अगर हम दोस्तों बजट की बात कर लें, क्योंकि आज हम एक शॉर्ट एक आपको आइडिया दे रहे हैं किस तरह से आप अपना फार्मेसी कॉलेज बना पाएंगे। पहले 2019 तक फार्मेसी कॉलेज बनाने के लिए काफी खर्चा आया करता था, जिसमें से कि लगभग 20 से 25 लाख का खर्चा तो आपका ऐसे ही बच गया है जब से AICTE हटा है। 2019 तक AICTE का अप्रूवल लेना जरूरी होता था, AICTE की भी इंस्पेक्शन हुआ करती थी, वहां एक सिक्योरिटी अमाउंट आपको देना होता था, साथ में प्रोसेसिंग फीस आपको देनी होती थी, जो आपकी अब बच गई है। अब सिर्फ और सिर्फ PCI को आपकी फीस जाती है, PCI में एक सिक्योरिटी अमाउंट जाएगा, प्रोसेस चार्जेस लगेंगे, लैंड आपको खरीदनी होगी या फिर लीज भी आप करा सकते हैं उसके ऊपर, और साथ में ही उसी लैंड को फिर आपको कंस्ट्रक्शन भी कराना होगा अगर आप चाहते हैं अपना खुद का एक फार्मेसी कॉलेज चलाना। और दोस्तों, जैसे ही अपना प्रपोजल आप देते हो, तो प्रपोजल देने के बाद में इंस्पेक्शन भी 2 तरह से होगी। एक तो करेगा स्टेट गवर्नमेंट जहां पर आप अपना कॉलेज चलाना चाहते हो वो, और दूसरा होगा PCI का इंस्पेक्शन। सीट्स की हम लोग बात करें तो नॉर्मली अगर मान लीजिए सिर्फ आपने डी फार्मेसी का अप्रूवल लिया, तो वहां आपको 60 सीट्स तक मिलेगी शुरू में आपको डी फार्मेसी में चलाने के लिए, और साथ में अगर आप बी फार्मेसी भी ले लेते हो तो वहां पर 60-100 सीट्स तक मिल सकती है, पर वहां सिक्योरिटी अमाउंट जो आप डिपॉजिट करोगे PCI में वो काफी बड़ा हो जाता है। दोस्तों, कई तरह के खर्चे आपके और भी होते हैं, जैसे आपने लैंड तो आपने परचेज कर ली, कंस्ट्रक्शन भी करा ली, उसके अलावा और खर्चे होते हैं, जैसे कि आप अपने कॉलेज में स्टाफ रखेंगे, साथ में ही बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करेंगे, अलग अलग तरह से ब्लॉक्स बनाते हैं
हैं उसके अंदर, साथ में ही लैब्स बनाएंगे जब आप अपने कॉलेज को डिजाइन करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया 4 और 11 या 10-11 लैब्स के आसपास बनाई पड़ सकती है अगर आप वहां पर डी फार्मेसी और बी फार्मेसी दोनों लेते हैं। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर आप कैसा बना रहे हैं उसके लिए भी इंस्पेक्शन की जाती है। साथ में ही जब इंस्पेक्शन होती है तब आपका कुछ खर्चा आता है और जो डिपॉजिट्स होते हैं वो तो आपको करने ही पड़ेंगे, उसके बिना आपकी बात बनेगी नहीं। दोस्तों काफी चीजें अभी लीनियंट हो गई हैं, काफी चीजें आसान हो गई हैं एक फार्मेसी कॉलेज खोलने के लिए जब से AICTE हटा है। अब आप फार्मेसी कॉलेज इजीली खोल पाते हैं। पहले हर लैब की अगर हम बात करें तो वहां पर 90 मीटर का एक प्रावधान था, पर अब वो 75 मीटर से भी बात बन जाएगी। इसके अलावा आप में से कोई भी कंसल्टेंट इंस्टीट्यूट या जो भी कोई किसी भी तरह से एजुकेशन में काम करता है अपनी यूनिवर्सिटी भी बनाना चाहता है तो भी अब डिस्टेंस का डैब कई एक यूनिवर्सिटी बनाई जा सकती है, जो कि 5 एकड़ में आप अपनी यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। कोई भी कॉलेज आप ओपन करना चाहते हैं, फिर चाहे वो PCI से रिलेटेड हो, मतलब डी फार्मेसी बी फार्मेसी आप चलाना चाहते हैं, या आप BEd कॉलेज चलाना चाहते हैं, आप LLB का कॉलेज चलाना चाहते हैं, ANM GNM कोर्स रन करना चाहते हैं, BSc नर्सिंग का कॉलेज आप चलाना चाहते हैं, किसी भी तरह के कॉलेज की एफिलिएशन आप चाहते हैं और साथ में चाहते हैं उसका कंप्लीट प्रोसेस क्या होगा, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम आपको उसकी कंप्लीट डिटेल्स देंगे और साथ में ही आपको बताएंगे कि किस स्टेट में कितना खर्चा आपका आ सकता है। डिटेल वीडियो आप चाहते हैं इसी के बारे में, किस तरह से अपना कॉलेज बनाएंगे, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल जरूर पूछना, अपने स्टेट का नाम जरूर लिखना ताकि हम आपको ठीक से आपको एडवाइस कर सके और आपका जो सपना है अपना खुद का एक कॉलेज बनाने का वो सपना आपका पूरा करने में शायद हम आपकी मदद कर पाए। दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को हर तरह की जो एजुकेशनल अपडेट्स आते हैं उसके लिए जानकार बना सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।